नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय जानवर के बारे में जो अक्सर दक्षिण भारतीय मंदिरों के दीवारों या प्रवेश द्वार पर देखने को मिलता है, जिसका वजूद 10वीं सदी से भी पुराना है। कुछ लोग इसे काल्पनिक मानते हैं तो कुछ का कहना है ये वास्तव में है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। इस जानवर का नाम है याली। याली एक ऐसा रहस्यमय जानवर है जो दक्षिण भारतीय मंदिरों में अक्सर स्तंभों पर मूर्ति के रूप में देखने को मिलता है। इसे व्याला के नाम से भी जाना जाता है। इसे इस तरह से चित्रित किया गया होता है कि इसका थोड़ा भाग शेर का, थोड़ा भाग हाथी का और थोड़ा भाग घोड़े के आकार का होता है, या कई बार आधा शेर और आधा घोड़े का आकार का होता है, जिसमें कुछ भाग किसी पंछी की तरह दिखता है। हालांकि इनका वर्णन कई साल पुराना बताया जाता है और ये ज़्यादातर दक्षिण भारतीय मंदिरों में ही पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि याली किसी भी शेर, बाघ या हाथी से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। शास्त्र मूर्ति विद्या और उनकी रचना के अनुसार ये किसी बिल्ली की तरह दिखाई देते हैं। उनका सिर किसी शेर की तरह और उनके दांत किसी हाथी की तरह और उनकी पूंछ किसी सांप की तरह लगती है। कई बार वो किसी मछली की तरह लगता है जो कि अपने पूंछ पर खड़ी है। याली की मूर्तियाँ खास तौर पर मंदिरों के प्रवेश द्वार पर देखने को मिलती है, जो कि माना जाता है कि याली उस मंदिर की निगरानी और रक्षा करता है, खास तौर पर शरीर शेर का और सर हाथी का। इस प्रकार की मूर्ति पाई जाती है। उसके अलावा शेर का सर होने वाली आधा घोड़ा और आधा मानव की मूर्ति, कुत्ते का मुंह वाली मूर्ति भी पाई जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार याली के तकरीबन 16 प्रकार है, जिसमें गेंडे का शरीर और बकरी के सिंग जैसे याली भी शामिल है। कुछ उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हाथी का सर होने वाली याली को बोलते हैं गजयाली, शेर का सर होने वाले को बोलते हैं सिम्हायाली, घोड़े का सर होने वाले को अश्वयाली और इंसान का सर होने वाले को नीरयाली, कुत्ते का सर होने वाले को श्वानयाली बोलते हैं। सिम्हायाली की खोज 10वीं सदी में गुजरात के मेहसाना मंदिर के दीवारों पर की गई और गजयाली की खोज परसोनाथ मंदिर में हुई जो कि खजुराहो में है। उसी तरह मणिबाव मंदिर जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। याली एक मूल भारतीय कला है जो कि बनी हुई है लोकवार्ता और लोक कला के आधार पर। 1600 सदी में इसका इस्तेमाल प्राचीन दक्षिण भारतीय मंदिरों में किया गया। याली कुछ हिस्से तक गार्गोरियल कला की तरह लगती है जो कि यूरोपियन स्थापत्य है, और कुछ लियोग्राफ की तरह लगती है जो कि एक आशियाई स्थापत्य कला है। इसे भारतीय ड्रैगन भी कहा जाता है। सवाल यह है कि पुराण कथा का यह जानवर किस राक्षस की तरह लगता है, वो इन मंदिरों की दीवारों पर क्यों है? आइए जानते हैं इसका जवाब। हमारी दुनिया जितनी हम जानते हैं, समझते हैं, उससे कई ज़्यादा रहस्यमय और अनसुलझी है। हमारे आसपास कुछ राक्षस शक्तियाँ हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते या फिर जिसे हम नकार नहीं सकते, और यही सच है और यही सच ये मंदिर पर बनी कलाकृतियाँ स्वीकार करती हैं। इसी वजह से ये कलाकृतियाँ इन मंदिरों की दीवारों पर है, और याली एक चित्रण है, एक बयान है हमारे धारणाओं का और हमारे विचारों का। तो दोस्तों, ये थी आज की रोचक कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।